नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खरगोन शहर में अतिक्रमण मुहिम लगातार सातवें दिन भी जारी रही। पुराना हॉस्पिटल एमजी रोड के साथ तिलक पथ पर हुए विरोध हंगामे के प्रदर्शन को दरकिनार कर गुरुवार को फिर इन्हीं क्षेत्रों में नगर पालिका की जेसीबी चली। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस की मदद ली। सातवें दिन भी दोपहर 3 बजे अमला कार्रवाई के लिए निकला। उपयंत्री मनीष महाजन, प्रभारी राजस्व अधिकारी महेश वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी राजेंद्र चौहान नपा अमला पुलिस कर्मियों के साथ एमजी रोड पहुंचा। एमजी रोड के साथ ही तिलक पथ पर मार्ग की दोनों ओर दुकानों के बाहर बने करीब 50 से अधिक प्रतिष्ठानों के ओटले अस्थायी दीवारें ढहा दी गईं। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार जो है रोड में ट्रैफिक की बड़ी समस्या आ रही है खरगोन में, इसलिए निर्णय लिए गए हैं। उसके मुताबिक जो है नगर पालिका द्वारा दिनांक 20 सितंबर से निरंतर शहरों का चौड़ाईकरण का जो कार्य है ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाई चल रही है और 20 तारीख से निरंतर हम लोग कर रहे हैं। कल थोड़ी सी समस्या आ गई थी, एक महानुभाव को थोड़ी सी ज्यादा शिकायत आ रही थी और वो कुछ तो भी मतलब समुदाय विशेष की बातें कर रहे थे, लेकिन नगर पालिका जो है जिला निर्देशन में, जो जिला प्रशासन है हमारा, उनके निर्देशन में एक समान रूप से कार्रवाई हो रही है। कहीं किसी से भेदभाव नहीं है और ये कार्रवाई निरंतर अभी चलती रहेगी। ये हमारा शहर जो है लगभग 20 से 22 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं इसकी मुख्य मार्ग, और सभी मार्गों से अतिक्रमण को हम जो है वो साफ कर रहे हैं, आवागमन के लिए लोगों को सुविधाजनक रास्ते मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।